देखिए, साधु संत साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, और वो इसी इस प्रकार से वो न तुम्हारे कहने से वो जल्लाद हो पाएंगे, न आतंकवादी हो जाएंगे, और न इस प्रकार से कोई भी दोष साधु में नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, जो मानसिकता जिसकी होती है वह मानसिकता जरूर साधुओं के प्रति व्यक्त की जाती है। तो स्वामी प्रसाद महोदय की मानसिकता यह है, जल्लाद की है, राक्षस की है, पिशाच की है। इस भावना से ही प्रेरित हो करके और रामचरितमानस के चौपाइयों को लेकर वो बोल रहे हैं, इनको निकाला जाए, बैन किया जाए रामचरितमानस को। इसलिए ये जल्लाद, राक्षस, बेईमान और धूर्त, ये जितना भी शब्द हैं, ये सब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ही लागू होते हैं, किसी संत के लिए नहीं लागू होते हैं। इसलिए मौर्या, तुम्हारा जो दिमाग है वो खराब हो गया है, तो पगलाए गए हो, और पगलाए पागल आदमी का स्थान जो है कि तो जेल में होता है और कि तो पागल खाना में होता है। इसलिए तुम जिस तरह से बोल रहे हो, इससे स्पष्ट है कि तुम्हें पागल खाना में भेज दिया जाए, जहां की तुम्हारी ये दवा हो, जिस दवा से तुम ठीक होकर के फिर आओ।